इसलिए कि कांग्रेस का कहना था कि श्री राम है नहीं और न सेतु बांध है, ये सब सब काल्पनिक है। तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। यानी राम मंदिर काफी बड़ा मुद्दा होने वाला है इस बार। बिल्कुल, जय श्री राम, जय श्री राम। जनता को अभी अगर यही आप व्यू लीजिएगा तो जनता से अभी अगर 100 जनता से पूछिएगा तो अभी 70-80% जनता आपको बताएगी कि हम लोग मोदी जी को वोट करेंगे। और ये जनता का रुझान है। और मोदी जी जिस तरह से नेतृत्व कर रहे हैं देश के बढ़ती हुई बागडोर को एकदम विदेशों में जो ले जा रहे हैं, आज जो आप अभी आएगा वो सब सुतेगा और मनीष सिसोदिया जागेगा और मोदी हंसेगा। देखिए जेपी पटेल को तो अभी तक जानते भी नहीं है हम लोग। बेरोजगारी को भी समझ रहे हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनको किसी तरह का रोजगार नहीं मिला। नौकरियां मिल भी रही हैं झारखंड में तो खड़े खड़े बिक जा रही हैं, सीटें बिक जा रही हैं। तो इन बहुत सारे मुद्दे हैं उसके, उसको देख करके इस बार तो बहुत ज़्यादा अलग ही लहर है। स्कोप देख रहे हैं आप और मैं शशांक। पूरे भारत में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और हजारीबाग में भी लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है। 20 मई को यहां चुनाव होना है। बीजेपी से मनीष जायसवाल, कांग्रेस से जेपी पटेल, जेबीकेएसएस से संजय मेहता तथा कई अन्य उम्मीदवार मैदान में है। जैसे आपको बता दूं झारखंड पार्टी से बबलू कुशवाहा मैदान में है। कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील कुमार यादव। लोकसभा चुनाव होने वाला है, किन मुद्दों को लेकर इस बार आप वोट करेंगे? देखिए हम लोग तो बीजेपी को ही वोट देंगे क्योंकि बीजेपी के द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है मोदी जी के द्वारा। आज जो राम मंदिर का मसला 500 साल से चल रहा था उन्होंने ख़त्म किए, आज जो 370 धारा उनको हटाएँ, बहुत तरह का ऐसा काम किए हैं, इसके चलते हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। जेपी पटेल भी मैदान में है, जेबीकेएसएस से नए लड़के मैदान में आ रहे हैं, कैसे देखेंगे इन सब चीज़ों को? देखिए आने वाले तो बहुत उम्मीदवार है लेकिन जो हम लोग के नज़र में जो काम कर रहे हैं देश के हित में काम कर रहे हैं उन्हीं को हम लोग वोट करेंगे। मनीष जायसवाल बीजेपी से है, क्या अच्छा लगता है उनका? मनीष जायसवाल तो दिन रात क्षेत्र में ही रहते हैं, हर गरीब गुरबा को देखते हैं, हर सुख दुख में काम देते हैं, चलते हम लोग मनीष जायसवाल को ही वोट करेंगे। कुछ और भी लोग हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कविंद्र यादव हुआ। क्या कुछ मुद्दा को लेकर इस बार वोट करने वाले हैं आप? देखिए मुद्दा जिस तरह से 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी की सरकार ने अपने देश की बागडोर को अपने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में जिस तरह से डंका पहुंचाई है और अपना देश का जो नाम रोशन किए हैं वो अभी विदेशों में गूंज रहा है और उससे हम लोग पूरे देशवासी पूरे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि ऐसे माननीय प्रधानमंत्री अपने देश की शासक होने चाहिए ताकि हमारा देश को और आगे तीव्र गति से समृद्ध शक्तिशाली और बने और मेरा देश एक मजबूत बागडोर संभालने नेता को हाथों में हम लोग सौंपे ताकि देश का जो अंधकार भविष्य 10 साल पूर्व में जो दिखाई देता था वह सामने से दूर हो और फिर भारत का देश हमेशा अग्रणी स्थान पर पूरे विश्व स्तर पर आए, यही हम लोग कामना करते हुए हम लोग तो मोदी जी के पक्ष में ही वोट करते हैं। मोदी जी के काम से खुश हैं लेकिन आपको बता दूं झारखंड में और हजारीबाग में खासकर पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा अब सक्रिय दिख रहे हैं। उन्होंने एक प्रेस वार्ता भी किया है, जेपी पटेल का खुलकर समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए नेता तो किन्हीं के पक्ष में समर्थन करता है लेकिन जनता को समर्थन को देखना चाहिए। नेता हर पार्टी के होते हैं वो अपने बात को रखते हैं लेकिन जनता को अभी अगर यही आप व्यू लीजिएगा तो जनता से अभी अगर 100 जनता से पूछिएगा तो अभी 70-80% जनता आपको बताएगी कि हम लोग मोदी जी को वोट करेंगे। और ये जनता का रुझान है। और मोदी जी जिस तरह से नेतृत्व कर रहे हैं देश के बढ़ती हुई बागडोर को एकदम विदेशों में जो ले जा रहे हैं, आज जो जी का एक अकेला पहचान नहीं है बल्कि पूरे देश के वासियों का ये पहचान है और आज अपना जो क्या बोला जाए हौसला अफजाई होता है, हम लोग ऐसा एहसास महसूस करते हैं कि हमारा देश विकसित अग्रसर देश के ऊपर में जा रहा है और हम लोगों को भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में आगे जा रहा है। इस पर वोट होगा, इस पर जनता वोट करेगी। क्या नाम हुआ आपका? गंगा साहब। कांग्रेस से जेपी पटेल हैं, बीजेपी से मनीष जायसवाल हैं, कैसे देख रहे हैं इस बार लोकसभा चुनाव हजारीबाग में किन मुद्दों को? जितना अभी आएगा वो सब सुतेगा और मनीष सिसोदिया जागेगा
और मोदी हंसेगा। क्यों, क्या ऐसा अच्छा लगता है उनका आपको? वो बहुत कुछ किया जो 25 साल में नहीं हुआ था, वो देख करके दिखाया 10 साल में। एक वो हर भाई MD भाई IAC भाई क्रिश्चन भाई सबको खुश है। अच्छा, हजारीबाग में ऐसे कौन से काम है जो लगता है छूट गया है जो आगे होने चाहिए आगे कार्यक्रम? हजारीबाग में राम मंदिर भी बनने वाला है, बनेगा जहाँ भी बने, लेकिन हजारीबाग के अंदर झारखंड के अंदर में बनेगा। विकास के कामों में क्या कुछ देखते हैं? विकास के काम तो रोड दिनोदिन हो रहा है, ट्रेन 4 व्हीलर आइए रहा है, हर लाइन सुझाइए रहा है, रोड बनिए रहा है। वहाँ कमी कुछ दिया है गांव में, का रोड रोड गली गली ढलाई हो रहा है योजना निकल के। तो इसमें किसे देखते हैं, झारखंड सरकार के काम को देखते हैं या केंद्र की सरकार? प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री। देखिए और भी लोग, क्या नाम है? मेरा नाम परमेश्वर गोप है। किन मुद्दों को लेकर इस बार आप वोट करेंगे? देखिए मुद्दा तो यहाँ पर हम लोगों को बीच में अगर सोचा जाए, मान लिया जाए, तो 10 साल से कुछ विकास का नाम उन्हें नाम भी नहीं लिया गया है। अब रही बात वोट की बात, तो वोट जहाँ तक है हम लोग मोदी को देख करके ही हम लोग BJP को ही समर्थन में हैं और वोट देते आए हैं और वोट देते रहेंगे। प्रत्याशी अगर बात करें तो JP पटेल मैदान में है। देखिए JP पटेल को तो अभी तक तो जानते भी नहीं हैं हम लोग, लेकिन BJP से ही वो अलग हुए हैं और कांग्रेस ज्वाइन किया, कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है। ठीक है, वो तो मैंने नेतागिरी में तो मैंने कभी इधर कभी उधर, मैंने हर आदमी होता है वैसा, लेकिन जो भी सरकार भी यानी कि 10 सालों से चल रही, विकास नाम का चीज़ नहीं है। अगर कोई अगर बोल रहा है बहुत विकास हो रहा है तो यह एक ठो मनमानी मनगढ़ंत या झूठा बोल रहा है। विकास नाम का चीज़ नहीं हुआ, महंगाई मैंने चरम सीमा पर पहुंच गया है हर क्षेत्र में। मैंने लोगों को ऐसा कुछ यानी कि प्रॉफिट नहीं है, लेकिन मोदी जी के चेहरे पे, लेकिन मोदी जी के चेहरे के चलते हम लोग BJP का सपोर्ट कर रहे हैं और करते चलेंगे। कुछ और लोग हैं, कहाँ से है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है संजय राणा। कहाँ से है? हम सिरसी से हैं, वार्ड नंबर 33। किन मुद्दों के साथ इस बार आप वोट करेंगे? विकास के मुद्दे पर हम वोट देंगे। क्या ऐसा क्या लगता है, क्या अच्छा हुआ है? क्या ऐसा है कि पहले का जो स्थिति था, महिलाएं जो है सो रात में निकलना पसंद नहीं करते थे, इतना गुंडा राज था। और अभी हम अभी जो स्टूडेंट्स है या महिला है या छात्रा है, वो आराम से 12 बजे 1 बजे रात आता है, कोई डिस्टर्ब नहीं है। और पहली दूसरी बात ये है कि इंडिया अलायंस को कोई कैंडिडेट नहीं मिला, इसलिए BJP का कैंडिडेट को चोरी करके और जो है सो JP पटेल को खड़ा किए। BJP के कामों से खुश है? 100%। अच्छा, ऐसा क्या लगता है कि हजारीबाग में वो काम छूट गया है जो आगे जो भी सांसद बनकर आए उन्हें वो पूरा करना चाहिए? हम लोग को तो अपेक्षा है कि यहाँ हवाई अड्डा बनना चाहिए, हवाई अड्डा हजारीबाग में। और कोई ऐसी समस्या आपको दिखाई देती हो जो? बाकी तो मनीष जसवाल जी सब लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, वो क्षेत्र में बहुत काम किए हैं और हम लोग आशा करेंगे और इससे ज़्यादा भी काम करेंगे। उनमें क्षमता है, ऊर्जावान नेता है। महिला भी हमारे साथ है, हम इनसे भी जानते हैं इनका क्या ओपिनियन है। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका कुमारी। किन मुद्दों के साथ इस बार लोकसभा चुनाव में वोट करिएगा आप? अच्छा, लोकसभा में चुनाव को लेकर के बेरोजगारी है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हमारे पास। हमारे युवा पढ़ लिख करके भी बेरोजगार हैं, हालांकि युवाओं का ध्यान इस ओर नहीं आने दिया जा रहा है। उनको भटका करके, मुद्दों से भटका करके रखने का प्रयास बेशक किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे युवा हैं जो बेरोजगारी को भी समझ रहे हैं। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनको किसी तरह का रोज़गार नहीं मिला। नौकरियां मिल भी रही हैं झारखंड में तो खड़े खड़े बिक जा रही हैं, सीटें बिक जा रही हैं। तो इन बहुत सारे मुद्दे हैं उसको देख करके इस बार तो बहुत ज़्यादा अलग ही लहर है। अब देखिए क्या होता है। 3 उम्मीदवार यहाँ पे हैं। हाँ। मनीष जायसवाल है, JP पटेल है, संजय मेहता है, अन्य और कई उम्मीदवार भी निर्दलीय आ रहे हैं या किसी और अन्य क्षेत्रीय पार्टी से आ रहे हैं। कैसे देखते हैं, किसे मानते हैं कि इन सब जो है काम है जो अभी रुका हुआ है, जिस मुद्दे पे आपने बात की, उसे पूरा कर पाएंगे? देखिए, इसके लिए किसी एक को अभी जिम्मेवार ठहराना उचित नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि जिनको जनता एक बार देख चुकी है उनको इस बार दरकिनार करने का मूड बना चुकी है कि हम लोगों ने बहुत देखा,
बार बार उनके झूठे आश्वासन पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं? और जिनको हम लोगों ने एक बार भी नहीं देखा है, तो चाहेंगे कि नई सोच हो, नए ऊर्जा वाले लोग आएँ और नए आश्वासन के साथ अगर हम लोग भरोसा जाते हैं तो हो सकता है उनको हम लोग ये मौका नहीं देंगे कि आप एक 10 साल रह चुके हैं, 15 साल रह चुके हैं तो आपने कुछ नहीं किया। यानी आपका इशारा जेबी केसेस की तरफ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे और भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो क्षेत्र में हैं और इस बार तो कैंडिडेट देखने के मूड में है जनता। पार्टियों के भरोसे इस बार वोटिंग नहीं होने वाला है कि जैसा चला आता था ना कि हमारे बाप दादा के समय से चला आ रहा है, हम लोग उसी को वोट करते आ रहे हैं, तो वैसा इस बार क्षेत्र में देखने को नहीं मिल रहा है। इस बार कैंडिडेट देखा नॉलेजदार है, नॉलेज रखता हो, पढ़ा लिखा हो, लोकसभा में हमारे हक का जो हनन किया जा रहा है उसके खिलाफ बोल सकने में सक्षम हो, वैसे कैंडिडेट को देखेंगे हम लोग। देखिए कुछ और भी लोग हैं, किन मुद्दों के साथ इस बार वोट करिएगा आप लोकसभा चुनाव में? हम लोग यहाँ जो है सो जो सोशल वर्कर है, जो जनता का काम को करता है, सच्ची लड़ाई लड़ता है, उसको चुनेंगे। कौन लगता है ऐसा, कौन उसके है उसके लिए? जेपी पटेल जो है जमीन का नेता है, मिट्टी का बेटा है, इसलिए हम लोग जेपी पटेल को मदद करेंगे। और हजारीबाग में ऐसा कौन सा विकास का मुद्दा है जो जीत के आने के बाद आप चाहिएगा वो पूरा करें? और जैसे सबसे पहले बात है कि यहाँ हमारा कटकमदा क्षेत्र में कोल माइंस है, यहाँ विस्थापित का मामला है और किसान का मामला है, और वो मामला जो है जेपी पटेल के द्वारा हल निश्चित रूप से होगा, मैं पहली भांति जानता हूँ, चूँकि वो जन्म से जो है और वो वंशावली उनका है आंदोलन से उपजे हुए नेता हैं। क्या परिचय हुआ? तो यहाँ नावाडी। क्या नाम हुआ आपका? मैं इंद्र नारायण कुशवाहा। किन मुद्दों को साथ इस बार आप लोकसभा चुनाव में वोटिंग करने वाले? विकास के मुद्दा। और कौन होगा आपका, कौन पसंद है, कैसे देखते हैं? देखिए अभी देश में जो है ना प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, जो 70 वर्षों में कांग्रेस की सरकार नहीं किया, वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने 10 वर्षों की में जो है कर दिखाया है वह काफ़ी काबिल तारीफ है। 370 का मुद्दा कहिए, राम मंदिर के कहिए, इन सब मामलों को प्रधानमंत्री जी ने सुलझाया है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा काफ़ी गर्म है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए वह साधारण सी बात है, वह स्वेच्छा से जिनको अपना दान करना रहता है वह पार्टी के लिए अपना लोग करते हैं और उसके लिए बॉन्ड लेते हैं। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया, उसे कैसे देखते हैं? देखिए कांग्रेस का घोषणा पत्र है, वह सभी पार्टियों का अपना अपना घोषणा पत्र होता है, उसी प्रकार कांग्रेस ने बनाया है, वैसा कुछ विशेष नहीं है। कुछ और भी लोग हैं, कोई बात करना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? प्रकाश कुमार यादव। क्या लगता है इस बार किस मुद्दों के साथ आप वोट करने वाले? इस बार बीजेपी फुल बहुमत से निकल रही है और इस बार 400 पार जो बोला गया वो होगा। क्या अच्छा लगता है उनका, कौन सा काम अच्छा लगता है? मोदी जी का हर काम अच्छा लगता है। मनीष जायसवाल उम्मीदवार हैं? हाँ, यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी और क्षेत्रीय उम्मीदवार है मनीष जायसवाल। वे जब विधायक थे तो भी बढ़िया काम किए, पूरे क्षेत्र में घूम घूम करके काम किए और उम्मीद है कि सांसद में वो चुनाव जीत रहे। जीतने के बाद उनसे क्या अपेक्षा होगी, हजारीबाग के किन समस्या को खत्म करवाना चाहेंगे? देखिए यहाँ पर सबसे पहले आवश्यकता है, जैसे भाई हमारे भैया जैसे बोले हवाई अड्डा के लिए, तो हवाई अड्डा बनना भी चाहिए और क्षेत्र सो मेन है कि कोरोना में जो देखिए कुछ बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? मेरा नाम पीयूष कुमार, सबसे बड़ा रुचि यह है मनीष जायसवाल का कि कोरोना काल में इन्होंने घर में नहीं रहे, भोजन की व्यवस्था या किसी भी प्रकार की व्यवस्था वो घर में एकदम नहीं रहे, घर से निकल के दिन रात सेवा किए हैं, लोगों को बचाएँ, यही कार्य से बिल्कुल सब खुश है और सब हम लोग ये कुछ आपका छूट गया था, क्या बताना चाह रहे थे? नहीं नहीं, अभी 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 जो है सो हमारे विधायक जी 25 जोड़ी गरीब 25 जोड़ी का शादी कराए हैं, पहली बात। खुश है उस कार्यक्रम से? एकदम बहुत खुश है, हजारों हजार लोग वहां पर पहुंचे, उनके सगे संबंधी सब का खाना का प्रबंध रहा। और एक चीज और बोलेंगे, जैसे राम से निकल रहे, जब श्री राम मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा था तो वहाँ पे कांग्रेस वाले नहीं आए, इसलिए कि कांग्रेस का कहना था कि श्री राम है नहीं और न सेतु बांध है, ये सब काल्पनिक है।
तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। यानी राम मंदिर काफी बड़ा मुद्दा होने वाला है इस बार। बिल्कुल, जय श्री राम। देखिए हम अभी ग्रामीण इलाके में हैं और एक बात बता दूं तो बीजेपी के काम से यहाँ लोग काफी खुश हैं और उनके काम की सराहना कर रहे हैं। हालांकि 4 जून को यहाँ पूरे भारत में चुनाव का रिजल्ट आएगा और देखना यह होगा कि यह रिजल्ट किसके पक्ष में जाता है और किसे जनता अपना बहुमूल मत देकर विजयी बनाती है। शशांक शेखर, न्यूज़ बाय।